गुजरात में देश के सबसे बड़ा सी फ्रंट उपलब्ध है। 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा हमारा समुद्री तट है। सैकड़ों वर्षों से गुजरात अपनी शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। लोथल पोर्ट से निकली जानकारियां आज भी बड़े बड़े मरीन एक्सपर्ट्स को अचंभित करती है। जिस जगह पर हम सभी उपस्थित हैं, वहां पर सैकड़ों वर्षों से दुनिया के अलग अलग देशों से जहाज आते रहे हैं। इस समृद्ध विरासत को समझते हुए, देखते हुए, मैं उसी समय से गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं जब आपने मुझे मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गुजरात के कोस्टल इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिया। हमने शिप बिल्डिंग, इसकी नई पॉलिसी बनाई, शिप बिल्डिंग पार्क बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में छोटे पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, शिप ब्रेकिंग के नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए। सरकार ने स्पेशलाइज्ड टर्मिनल्स के निर्माण पर भी विशेष जोर लगाया, जैसे दहेज में सॉलिड कार्गो, केमिकल और एलएनजी टर्मिनल और मुंद्रा में कोल टर्मिनल। ऐसे स्पेशलाइज्ड टर्मिनल से गुजरात के पोर्ट सेक्टर को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई चेतना प्राप्त हुई। इसके साथ ही सरकार ने वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड ब्रेकिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया। सरकार आने वाले दिनों में मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बनाने और लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम बनाने पर भी बहुत विस्तार से काम इन दिनों चल रहा है। इन सारे कार्यों के साथ ही यहां रहने वाले मेरे मछुआरे भाई बंधु और स्थानीय लोगों का भी विकास हो, इसके लिए सागर खेड़ू विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं भी हम लगातार चला रहे हैं। इसी बात पर भी जोर दिया कि शिपिंग इंडस्ट्री में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें ही रोजगार दिया जाएगा।